पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेरा नाम रजनी है। रजनी जी कहाँ से आई हैं आप? पेपर मिल जयपुर हाईस्कूल में रहती हूँ। क्या समस्या है आपकी? मैंने कॉलोनी वो करवाई थी, मेरी कॉलोनी कैंसिल करवाई गई है। अच्छा। पैसे मांगे मेरे बच्चे इतने भी भागते हैं, मगर मेरी कॉलोनी नहीं, मैं तो खुद स्कूल में रहती हूँ सर। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने आवेदन किया था? जी, मैं डीएम साहब के घर भी आई थी, मेरे कोई संभाव नहीं करी इन्होंने। क्या चाहते हैं? मैं चाहती मैंने सुनाई करो, कर दीजिएगा। क्या मानती हैं आप, जिन लोगों को दिए गए हैं वो लोग इसके पात्र नहीं थे? नहीं, अपात्र कर दीजिएगा। आपको अपात्र पाया गया, तो क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरी कॉलोनी आ जाए, मेरे बच्चे भी धक्के खा रहे हैं सर मेरे। परसद गाजी है, मैं नगर पंचायत अगवानपुर से हूँ। और आज जो हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, ये कॉलोनी के संबंध में दिया है। देखिए, आज हमने जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, वो हमने नगर पंचायत अगवानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में दिया है। हमने डीएम महोदय से मांग की है कि अगवानपुर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी पास हुई हैं, ये सब गलत तरीके से पास करवाई गई हैं। ये एक बिजनेस के तौर पर कॉलोनी पास कराई गई हैं। पहले तो उन 2019 से लेकर दो या तीन मरतबा प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी आई हैं। वार्ड एक से लेकर 15 वार्ड तक जांच करानी, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो जिसने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गलत तरीके से रुपए लेकर अपने खातों में पढ़वाए हैं और उनके मकान नहीं बने हैं और वो मकान पेपर में पास करा दिए गए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। या जो भी अधिकारी ने ये गलत कॉलोनी पास करी है, क्योंकि उनकी कॉलोनी पेपरों में तो पास है और ज़मीनी स्तर पर कोई कॉलोनी नहीं है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के का होनी चाहिए। और हमारे पंद्रह वार्ड में बहुत गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धांधलीबाजी हुई है। कुछ लोगों ने सभासद की मिलीभगत से वार्ड 15 में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गलत तरीके से अपने खातों में रुपए डलवाकर वार्ड 15 का सभासद और लोग उसे रुपयों को हड़प लिया है। और इसका मैंने लिखित रूप में भी डीएम साहब को पूरा इसका वो लगा दिया मैंने बायोडाटा। और एक हमें देखो अभी आश्वासन नहीं दिया गया कि हम उच्च अधिकारी से जांच करा के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हमारे वार्ड 15 का जो सभासद है, उसने पूर्व में भी उन्हें 3-4 कॉलोनी ले रखी थी और उन्होंने धांधलीबाजी भी की है। और अभी उसने 5-7 कॉलोनी अपने घर के सदस्यों के नाम पर ली हैं। अभी जो है 2023 में ये वो हुआ है जो कॉलोनी आई है प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो 7 अपने घर के सदस्यों पे खुद उसने कॉलोनी ली है, जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।